हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीत एंड वेलकम टू प्रीत क्लासेस। सो आज का अपना जिहड़ा टॉपिक हैगा है, वह मैनू किसी ने कहा सीगा कि मैं इसे टॉपिक बनावा कि जो आप डॉक्टर को जाते हैं या फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप किदा गलबात करनी है ना, तो किदा आप गलबात कर सकते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स बारे आप किदा डॉक्टर नू दस सकते हैं, सानू किदा पता लगू कि की पूछता सानू। सो आज का अपना टॉपिक हैगा आ कॉन्वर्सेशने दल दोतोरे ए इन होस्पिटाले। ओके, सो मैं इसनों कंबाइन किया है कि जो तुम होस्पिटल जाते हो, होस्पिटल आप डॉक्टर को जाते हैं, ओबियसली नॉर्मल गल हैगी है, तो आप कि गलबात करनी है वो रिलेटिड अज आप फ्राजिज करा इतने, क्योंकि नॉर्मली आही फ्राजिज होंगे है जेडे आप डॉक्टर नाल गलबात के तौर पर यूज करते हैं भी कि आप अपनी प्रॉब्लम दस सकते हैं डॉक्टर। ओके, तो जो अगो कुछ कहता तो वह की मतलब हों। सो आप शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इतने डॉक्टर नू डी नाल रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो आप पेशेंट नू पी नाल या फिर क्लाइंट नू सी नाल करांगे। ओके, पेशेंट नू पी नाल, आप पेशेंट नू पी नाल करांगे। जिथे मैं डॉक्टर डी लिखा हुआ तो तुसी समझ जाना कि इतने वो डॉक्टर वाली लाइन हैगी है। ओके, सो शुरू करते हैं। बोनजोर्नो, गुड मॉर्निंग, अलोरा सीनियोरे, मी दीका कोमे स्ता। वो कह रहा है बोनजोर्नो, गुड मॉर्निंग सीनियोरे मिस्टर, हुण तुसी मैनू दसोगे कि तुसी किदा हो। ओके, मीनस ऑफ फॉर्मल विच पूछ रहा है तुहानू कोमे स्ता, या फिर तुहानू इदां ही पूछ सकदा है कोमे स्ताई, या फिर पूछ सकदा है कोमे सी सेंते फॉर्मल, कोमे ती सेंती इनफॉर्मल, के कोजा आई। ओके, सो इन सारिया च मैं ये सोचो कि मैं इन्ने सारे क्यों लिखे हैं। मैं इन्ने सारे इस करके लिखे हैं क्योंकि ये उपर कोई रूल नहीं है कि तुहानू डॉक्टर किस तरह पूछूगा। ओके, जे तुसी मीनस मेच्योर हो, मेच्योर उम्र के बंदे हैगे हो तो तुहानू एदां पूछ सकदा जिदा पहला लिखा है अलोरा सीनियोरे मी दीका कोमे स्ता, भी तुसी किद्दा हैगे हो, या फिर तुहानू पूछ सकदा है कोमे ती सेंती, तुसी किद्दा महसूस कर रहे हो, कोमे ती सेंती, कोमे ती सेंते तुसी किद्दा महसूस कर रहे हो इनफॉर्मल, ते कोमे ती सेंती इदां भी पूछ सकदा है के कोजा आई, तुहानू की प्रॉब्लम हैगी आ। सो जिन्नी भी इत्थे मैं फ्राजे लिखे हैं इन्हां सारिआं दा मतलब यही आ कि तुसी किद्दा हो, तुसी किद्दा महसूस कर रहे हो, तुहानू की फील हो रहा है, या फिर तुहानू की कोजा आई कि तुहानू की होया है, तुहानू की होया है। ओके, सो इन्ने तरीक्यां नाल तुहानू जिहड़ा हैगा एक डॉक्टर पूछ सकता है कि तुहानू इहदे विचों जो डॉक्टर तुहानू कोई भी सेंटेंस बोलता है, जे तुहानू बोलता है मिदी के मिदी का कोजा आई के कोजा आई, उहदा मतलब यही होगा कि तुहानू पुछा है कि तुहानू की प्रॉब्लम है। वह इदां ही पूछ सकदा है मिदी का कोमे सी सेंते, तुहानू किद्दां फील हो रहा है, इहदा मतलब भी यही आ। तो वह इदां ही पूछ सकदा है मी दी का कोमे ती सेंती, ओ मी दी का के कोजा आई, मीनस ये सारे फ्राजी हैगे हैं जिहड़े डॉक्टर दे हैगे हैं जिन्हां दे अकॉर्डिंग वह तुहानू पूछ रहा है कि तुसी किद्दां हो, तुहानू की होया आ, तुहानू किद्दां महसूस हुंदा आ। ओके, पेशेंट, ओ जी नॉन मी सेन तो बहने, ओची मीन्स टूडे आई एम नॉट फीलिंग वैल। ओके, सो गाइज मैं किसी का रिक्वेस्ट आई सी कमेंट कि मैं हिंदी भी दस्या करा मेरी क्लास में कि मैं कि लिखे ब्लैकबोर्ड पर। सो अज तो मैं शुरू कराँगी कि मैं हिंदी भी तो दस्या करा कि लिखा हुआ है पंजाबी के नाल। ओके, ओ जी नॉन मी सेन तो बहने, ओ जी मीन्स टूडे, वो कह रहा है कि नॉन मी सेन तो बहने, सेन तो मीन्स फील करना, ओके महसूस होना। वो कह रहा है कि आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हाँ, दो तोरे आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। ओके, पेशेंट, ओ जी सोनो मलातो। ओके, इन दे विच वो कह रहा है कि आज मैं हैगा जिहड़ा मलातो हाँ, मीन्स मैं बीमार हाँ, आज मैं बीमार हूँ। ओके, दो तोरे डॉक्टर डी के कोजा आई, तुहानू की होया है, आपको क्या हुआ है। ओके, पेशेंट, ओला फेबरे, मैनू बुखार होया है, मुझे बुखार है। ओके, पेशेंट, तुसी दस सकते हो जो तुहानू पूछूगा कि के कोजा आई, जे तुहानू बुखार है ओला फेबरे, मुझे बुखार है।
उन फोर ते माले दी तैस्ता, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। सो आप इसी तरह से आप बता सकते हो उसको, अगर आपको वो डॉक्टर पूछेगा कि कोज आई, कि आपको क्या हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता सकते हो, ओ ला फेब्रे, मुझे बुखार है। ओ उन फोरते माले दी तैस्ता, मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। ओली वर्तेजिनी मीन्स आई एम, वर्तेजिनी मीन्स होंगे जिदा आप कहें आई फील डेजी, मीन्स जिदा कि वोमिटिंग लगने का मन हो रहा उसनों, ऐदा कह सकते हो। सो यहाँ पे ओले वर्तेजिनी मीन का मतलब होता है कि जैसे आई फील डेजी, मुझे यहाँ पे जैसे कि मुझे उल्टी करने का मन हो रहा है, ऐसी सिचुएशन हो तो उसको कहते हैं ओले वर्तेजिनी। दो तोरे वाह बहने, ठीक है। ओरा ला वीज तो, हूँ मैं चेक करता हाँ, अब मैं चेक करता हूँ। ए विद्यामो कोजा सी पो फारे, और देखते हैं कि कर सकते हैं। वो कह रहा है कि अब मैं चेक करता हूँ और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। डॉक्टर रिस्पीरी, सांस ली, सांस लो, रिस्पीरी का मतलब होता है सांस लो। रिस्पीरी कुन नाजो, नक नाल सांस लो। एंड एस्पीरी कुन ला बोका, ते मुंह राही तुसी सांस छड्डो। हुण मैं हिंदी च दसदी हाँ, रिस्पीरी, रिस्पीरी का मतलब होंदा है, रेस्पीरी का मतलब होंदा है सा, का मतलब होता है सांस लेना। तो वो बोल रहा है डॉक्टर यहाँ पे, एस्पीरी कुन ला नाजो, नाक से आप सांस लें। एंड एस्पीरी कुन ला बोका, और आप मुंह से सांस छोड़े। यहाँ पे मैं इतने मैं अलग तो लिखा भी है इंस्पिरारे, इंस्पिरारे मीन्स आप जिदा इंग्लिश विच इनहेल, एस्पिरारे एक्सहेल, यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है इंस्पिरारे मीन्स इनहेल सांस अंदर लेना, एस्पिरारे एक्सहेल सांस बाहर छोड़ना। डॉक्टर ओके बास्ता, ओके इनफ, त्रतेंगा इल रेस्पिरो, होल्ड द ब्रेथ। एथे वो कह रहा है ठीक है बहुत हो गया। त्रतेंगो, त्रतेंगा मीन्स होल्ड करना किसे, मतलब जिदा आप कहते हैं सांस रोकना। त्रतेंगा इल रेस्पिरो, तुसी अपना थोड़ी देर लिए सांस रोको। परफेक्टो, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है बास्ता, ठीक है बहुत है। त्रतेंगा इल रिस्पीरो, थोड़ी देर के लिए अपना है जो सांस है वो रोक लो। रोके क्योंकि वो चेकअप कर रहा है उसका। परफेक्टो, परफेक्टो मीन्स परफेक्ट। पेशेंट, पोई दार्मी क्वालकोजा पैर इल दलोरे, मीन्स वो कह रहा है कि तुसी मैनू दर्द दे लिए कुछ दे सकते हो, क्योंकि उन्हें पहले क्या सी ना आलामा ले दी तैसता भी उहदे सिर च दर्द हैगा आ, तुसी दर्द लिए मैनू कुछ दे सकते हो, आप दर्द के लिए मुझे कुछ दे सकते हो। पोई दार्मी क्वल कोजा पेर इल दलोरे, दलोरे इत्थे कहिंदे आ पेन नू मीन्स दर्द, क्वल कोजा कुछ। दोतोरे सी चैरतो, बिल्कुल। ओरा ले फाचो ला रिचेता पैर अलकूने कॉम्प्रेसे, ऐसे डॉक्टर कह रहा है हाँ बिल्कुल, हूँ मैं तुहानू रिचेता कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन नू, जो डॉक्टर लिखते हैं ना दवाई लिखते हैं उसनू रिचेता मैदिका कह देंगे हैं। रिचेता मैदिको सॉरी कह देंगे हैं। वो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल, मैं हूँ तुहानू एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हाँ कुछ दवाइयों वास्ते। यहाँ पे वो बोल रहा है सी चैर तो, बिल्कुल। ओरा ले फाचो ला रिचेता फिर अलकूने कॉम्प्रेसे, कि मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ दवाई के लिए। दोतोरे ने प्रेंदा ऊना, इतने वो कह रहा है उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है पहला, तो हूँ दस रहा है कि तुसी दवाई कितना लेनी है तो किन्नी बार लेनी है। ने प्रेंदा ऊना,
त्रै बोलते तुसी एक गोली लेनी हैगी है, किन्नी बार? त्रै बोलते 3 बार अल जोरनो, मतलब दिन विच 3 बार लेनी है अल जोरनो। दोपो ई पास्ती, दोपो ई पास्ती, पास्ती का मतलब होंगे आफ्टर मेल। ओके, आफ्टर मेल मतलब जिदा तुसी फर्स्ट ले ली सवेरे ब्रेकफास्ट तो बाद, उस तो बाद लंच तो बाद ते डिनर तो बाद। जे वो दोपो ही पास्ती कहता है, यदा मतलब है कि तुसी जिहड़ा अपना दवाई लेनी है वो खाने तो बाद लेनी है। जे प्रीमो ई पोस्ती कहता है, मीनस तुसी खाने तो पहला लेनी है, या फिर वोता पांचा वोता कहता है तो मतलब कि खाली ढिड लेनी है। ओके, ने प्रेंदा ऊना एक लैनी हैगी आ, त्रै बोलते 3 टाइम अल जोरनो, दिन विच 3 बार, दोपो ई पास्ती, खाने तो बाद। यहाँ पे वो बोल रहा है, ने प्रेंदा ऊना एक लेनी है, आपने एक वो लेनी है मेडिसिन लेनी है गोली, त्रै बोलते 3 बार अल जोरनो, दिन में 3 बार, दोपो ई पास्ती। दोपो ई पास्ती का मतलब होता है कि खाने के बाद। पास्ती बोलते हैं मेल को, जैसे हम मेल बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसे हम इटालियन में बोलते हैं पास्ती। ओके, अगर वो बोलता है कि दोपो ई पास्ती, मीन्स कि आपको वो मेल से बाद लेनी है। अगर वो यहाँ पे बोल रहा है प्रीमो ई पास्ती, मीन्स कि आपको वो खाने से पहले लेनी है। अगर वो कह रहा है कि पांचा वोता, तो उसका मतलब होगा कि आपको वो खाली पेट लेनी है। ओके, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मुझे बहुत प्रॉब्लम मतलब ऑलरेडी हो रही है हिंदी बोलने, बट आई विल ट्राई। सो प्लीज़ अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, डॉक्टर सी रिवेस्ता विदरा केतरा उन पायो दी जोरनी स्त्रा मोल तो मैलियो। ऐथे डॉक्टर कह रहा है कि तुसी वेखना कुछ ही दिनों में पायो दी जोरनी, मीन्स अ कपल ऑफ डे, ओके, तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मतलब कि बहुत अच्छा फील करोगे। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कुछ दिनों में ही, जैसे पायो की जोरनी मीन्स होता है कि अ कपल ऑफ डे, 2 दिन में ही आप हैं कि जो आप अच्छा महसूस करोगे कि और आप ठीक हो जाओगे। पेशेंट लारिन ग्रासियो दत्तोरे, डॉक्टर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओके, यहाँ पे वो बोल रहा है कि डॉक्टर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, मीन्स बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। डॉक्टर बोन जोर्नो सिनियोरा, ओके, गुड मॉर्निंग मिस सिनियोरा मिसेस। ओके, सो हुण उहदे कोल एक लेडी आई है, उस नाल गल कर रहा है। ओके, बोन जोर्नो सिनियोरा, गुड मॉर्निंग मिसेस। पेशेंट्स बोन जोर्नो दत्तोरे, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर मी दी का टेल मी सी सेंते पोको बैने, यू फीलिंग लिटिल बिट नॉट गुड, यू नॉट फीलिंग गुड। ओके, वो कह रहा है कि मैं देखा कि तुहानू किदा दा फील हो रहा है। ओके, तुहानू मतलब किदा दा महसूस हो रहा है। मैं देखा सी सेंते पो को बहने, मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है। ओके, पेशेंट सी, ओके, यस, ओ ला फेब्रे ए ओ माले दी स्टोमको। सी, मैनू बुखार है ते मेरे ढिड विच दर्द हैगा या। ओके, मुझे बुखार है। सी ओला फैबरे, मुझे बुखार है ए ओ माले दी स्टोम को, और मेरे जो पेट में है वो दर्द है। डॉक्टर मिजुरियामो ला फैबरे, ओके, लेट मी चेक अ टेम्परेचर। ला टेम्परातुरा मिजुरा 39 ग्रादी, ओके, जो आपका टेम्परेचर है वो 39 ग्रादी है। मिजुरियामो ला फैबरे, तुहाडा बुखार चेक करते हाँ। ओके, मेजर करते हाँ। ला टेम्परातुरा मिजुरा 39 ग्रादी, तुहानू जो तुहाडा टेम्परेचर हैगा वो 39 ग्रादी हैगा या। मिजुरियामो ला फैबरे, आपका बुखार चेक करते हैं। ला टेम्परातुरा मिजुरा 39 ग्रादी, आपका टेम्परेचर है जो बॉडी का वो 39 मीन्स 39 डिग्री है। ओके, डॉक्टर ले प्रिस्क्रीवो मीन्स प्रिस्क्रिप्शन, जिदा भी मैं थोड़ा पहला दसिया सी,
ਉਸਨੂੰ ਰਚੇਤਾ ਮੈਡੀਕੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋਬਿਤੋ ਓਨੋ ਸਿਰੋਪੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸਿਰਪ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਂਦੇ ਆ ਸਟੋਮਕੋ ਵੋਤੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੋਤੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਟੋਮਕੋ ਵੋਤੋ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਤੀਆ ਆ ਕਾਜ਼ਾ ਅਲ ਕਾਲਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ ਓਕੇ ਪਰ ਅਲ ਮੈਨੂੰ ਦੂਏ ਜੋਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਲੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰੀਵੋ ਸੋਬਿਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਅਭੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਓਨੋ ਸਿਰੋਪੋ ਇੱਕ ਸਿਰਪ ਓਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਂਦੇਰੇ ਅਸਤੋਮਕੋ ਵੋਤੋ ਜੋ ਆਪਕੋ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਤੀਆ ਆਕਾਜ਼ਾ ਅਲ ਕਾਲਦੋ ਔਰ ਆਪਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਪੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਰ ਅਲ ਮੈਨੂੰ ਦੂਏ ਜੋੜਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਦਿਨ ਕੇ ਲੀਏ ਓਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੀਨਸ ਸਰਵੀਰੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਉਨ ਸਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਚਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਦੀ ਮਾਲਾਤੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਲਾ ਵੋਰੋ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਦੀ ਮਾਲਾਤੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਲਵੋਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਓਕੇ ਮੀ ਸਰਵੀਰੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਉਨ ਚਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਾਲਾਤੀ ਆ ਓਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਰ ਇਹ ਲਵੋਰੋ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੀ ਸਰਵੀਰੇਬੇ ਮੁਝੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਉਨ ਚਰਟੀਫਿਕਾਤੋ ਦੀ ਮੈ ਮਾਲਾਤੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਪਰ ਇਲਾ ਵੋਰੋ ਕੰਮ ਕੇ ਲੀਏ ਡਾਕਟਰ ਤੇਲੋ ਫਾਚੋ ਸੋਬਿਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਅਭੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਰਾਜ਼ਿਸ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਰਾਜ਼ੀ ਮੀਨਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਾਇਲੋਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟ 1 ਓਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਲੇ ਦੀ ਤੈਸਤਾ ਫੈਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਫਰਾਜ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਜ਼ਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਫਰਾਜ਼ਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਜ਼ਿਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਨਸ ਅਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਲਾਈਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਓਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰਾਜ਼ੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ ਫੋਰ ਦੈਟ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿਊ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਾਂ ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ